हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर अनु में। आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 11th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिटाइड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले बात आता है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कोई भी ऐसा चीज जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग किस किस चीज़ को फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं, जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। मास हो गया, मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। फोर्स हो गया, फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि हम लोग फिजिक्स में मेजर कर सकते हैं। अब आता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किसको कहेंगे। तो क्या जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग सपोज कीजिए ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एक मिनट आप लोग सोचिए ऐसा कौन सा चीज़ है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा ऐसा चीज़ है कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मानिए हम लोगों को किसी को भूख लगा हुआ है, तो इसको हम लोग भूख क्या है, हम किसी को बता सकते हैं कि हम लोगों को कितना भूख लगा हुआ है। या तो हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा भूख लगा हुआ है या बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ। ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हमको 1 kg भूख लगा हुआ या 2 kg भूख लगा हुआ। वैसे ही अगर हम लोग को गुस्सा आ रहा है तो क्या हम लोग किसी को बोल सकते हैं कि हम लोग को कितना गुस्सा आ रहा है। बस हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या कम गुस्सा आ रहा है, यही हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मास। मास किसको बोलेंगे। मानिए क्लास में कोई बच्चा बैठा हुआ, उससे अगर हम लोग उसको खड़ा करें और उससे पूछें कि तुम्हारा मास कितना है, तो वो बच्चा क्या बोलेगा, 30। तो क्या उसको बोले, अगर वो 30 हम लोग को बोल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, 30 ग्राम, 30 kg क्या होगा। तो क्या वो बोलेगा, नहीं मैं 30 kg। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो उस बच्चे का मास कितना बोला, 30 kg। तो हम लोग का जो मास है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये क्या हो गया, नंबर हो गया। और हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। यानी कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बराबर क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम लोग का क्या हो जाएगा, NU। यानी कि हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ गया, NU, नंबर और यूनिट को मिलाने पे हम लोग का क्या आएगा, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट किसको कहेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यूनिट किसको कहते हैं। इट इज़ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का स्टैंडर्ड रेफरेंस है, वही हम लोग का क्या होगा, यूनिट होगा। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि यूनिट किसे कहेंगे। तो मानिए ये हम लोग का क्या है, मार्कर है। तो अगर हम लोग इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लें तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग का मार्कर इक्वल टू 1 मार्कर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ 1 मार्कर। यानी कि इसका अगर हम लोग को ये मार्कर को अगर एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिए हैं, तो इससे भी अगर हमको कितना भी लंबा चीज़ को, बड़ा से बड़ा चीज़ को भी अगर मेजर करना है तो क्या हम लोग उससे उसको मेजर कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। मानिए ये एक लाइन है, इसको हम लोग मेजर करना, वो भी किससे करना है, हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट किसको माने, इस मार्कर को माने हैं, तो हम लोग इससे मेजर करेंगे। तो देखिए इसको मेजर करते हैं इससे 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि इसका लेंथ क्या हो गया, इस लाइन का लेंथ क्या हो जाएगा, हम लोग का 7 मार्कर के बराबर होगा। तो पहले हम लोग यही करते थे, किसी चीज़ को हम लोग क्या किए, स्टैंडर्ड यूनिट मान लीजिए, लेकिन आगे चल के हम लोग को क्या होने लगा, दिक्कत होने लगा, क्योंकि हम लोग क्या है इस लेंथ पे सारी चीज़ को नहीं मेजर कर सकते हैं। अगर हम लोग को कपड़ा 10 मीटर कपड़ा चाहिएगा तो हम लोग दुकानदार को क्या जाके ये तो नहीं बोल सकते हैं कि हमको 500 मार्कर क्या चाहिए कपड़ा चाहिए, क्योंकि वो इतना देर तक क्या है इस मार्कर के द्वारा तो मेजर नहीं कर सकता। और ना है इस मार्कर का क्या होगा लेंथ हर टाइम सेम होगा। मानिए ये कैमल का मार्कर है, अगर किसी और कंपनी का मार्कर रहेगा तो क्या है हर मार्कर का लेंथ अलग अलग होगा, तो इसके द्वारा क्या है हम लोग नहीं मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग अब चलिए देखते हैं क्या को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट को देखते हैं कि हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट क्या होता है। चलिए यूनिट का हम लोग क्या देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे पहले क्या था इट शुड बी वेरी प्रीसाइजली डिफाइंड, यानी कि क्या है इसको क्या है बहुत एक्यूरेट तरीके से हम लोग क्या होना चाहिए डिफाइंड होना चाहिए। जैसे हम लोग मान लीजिए हम लोग क्या है आलू लेते हैं, तो अगर हम लोग का क्या है 1 केजी आलू लेने गए, इसमें अगर हम लोग को 10 ग्राम क्या दे रहा है आलू कम या ज़्यादा दे रहा है तो ना ही इससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कोई दुकानदार को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर एक्यूरेट भी नहीं रह रहा है तब भी हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग कहाँ जाए फुनार के पास जाएंगे तो वहाँ क्या है वो अगर 10 ग्राम क्या है गोल्ड हम लोग को ज़्यादा दे रहा है तो इससे हमको भी फ़र्क पड़ रहा है और दुकानदार को भी फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पर क्या है मिलीग्राम का भी डिफरेंस मायने रखता है, लेकिन क्या है यहाँ पर मायने नहीं रख सकता। तो इसीलिए क्या होना चाहिए सबसे पहला क्या पॉइंट है वेरी प्रीसाइजली डिफाइंड, यानी कि हम लोग जो उसको अगर यूनिट को डिफाइंड कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। फिर सेकंड क्या है इट शुड बी वेरी वेल नोन, यानी कि इसके बारे में क्या है ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर हम लोग क्या हुआ पहले के ज़माने में यही होता था, छोटा सा गाँव है वहाँ पर किसी भी चीज़ को यूनिट मान के हम लोग क्या करते थे किसी भी चीज़ को यूनिट मान लिए उसी के द्वारा हम लोग क्या करते थे मेजर करते थे। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे सब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने लगे तो वैसे में हम लोगों को क्या होने लगा प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि छोटे से एरिया में वहाँ का यूनिट कुछ और था और वहीं से अगर हम लोग दूसरे एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ का यूनिट कुछ और था, तो इससे फ़र्क पड़ने लगा। वैसे ही धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लोग जाने लगे तो ऐसे में हम लोगों को क्या होने लगा और भी दिक्कत होने लगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि सब लोग मिल के डिसाइड किए कि हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट मानते हैं जो कि सभी जगह वही रहे, ना कि हम लोग के यहाँ कुछ और है फिर हम लोग के अगल बगल वाले के यहाँ कुछ और है। तो ऐसे ही करके हम लोग का क्या आया ज़रूरत पड़ा है एक स्टैंडर्ड यूनिट का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट क्या आया यहाँ, अलग अलग कंट्री में सबका क्या था उस टाइम सिस्टम ऑफ यूनिट अलग था। तो एक क्या हुआ जो कि फेमस था, मैं बस वही बता रही हूँ आपको लोग को MKS, फिर सेकंड क्या हुआ CGS, फिर थर्ड हुआ FPS। तो MKS में लेंथ को क्या माना गया लेंथ मास टाइम, तो MKS में क्या माना गया लेंथ को मीटर, मास को क्या माना गया kg और टाइम को क्या माना गया सेकंड। फिर CGS में क्या माना गया सेंटीमीटर, मास को ग्राम, टाइम को सेकंड। फिर FPS क्या हुआ लेंथ को यहाँ फुट, मास को पाउंड, टाइम को सेकेंड। तो ये हुआ कुछ कुछ जैसे हम लोग के कंट्री में कौन सा फेमस था MKS पद्धति था जो हम लोग के कंट्री में फेमस था। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन करिए, उसके बाद मैं आप बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ स्टैंडर्ड यूनिट सारे कंट्री में क्या क्या माना गया, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ सवाल आता है FI किसको कहते हैं, तो किसको कहेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम को, जो कि बस इंडिया में ही नहीं बाकी सारे कंट्री में यही यूनिट माना जाएगा। तो देखिए क्या क्या हुआ मास, मास को हम लोग क्या यूनिट माने kg, लेंथ, लेंथ को क्या माने हम लोग मीटर, टाइम, टाइम का FI क्या हुआ सेकेंड, करंट एम्पियर, फिर बात आता है टेम्परेचर, क्या हुआ केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, मोल हो गया। एक लास्ट और बच गया हम लोग का, जिसको यहाँ देख लेते हैं हम लोग, लुमिनस इंटेन फीटे, जिसको कि हम लोग कैसे मेजर कर, उसका यूनिट क्या हुआ कैंडेला। तो हम लोग का क्या हुआ, यूनिट के बारे में हम लोग जान गए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, डायमेंशन के बारे में जानेंगे कि डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन से, जैसे मास है तो मास का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन कब होगा, क्या होगा, एक्सीलरेशन का क्या होगा। तो ये सब का हम लोग क्या जानेंगे, नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग क्या कीजिएगा, आज का जितना भी बताया गया उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमेंशन के साथ। थैंक यू सो मच।